हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो पोल्ट्री फार्मर्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि बारिश के मौसम में एक गंभीर बीमारी हमारे पोल्ट्री फार्म में आ जाती है, जिसका नाम है कोक्सीडियोसिस। तो इस वीडियो में हम कोक्सीडियोसिस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम आम बोल चाल भाषा में रक्ती हागवन या खूनी दस्त भी कहते हैं। और हम आगे बात करेंगे इस बीमारी के होने वाले कारक, नुकसान, बीमारी के लक्षण और इससे बचाव के कौन कौन से तरीके हैं, ताकि हमारे फार्म में ये बीमारी ना आए, और अगर आ भी जाए तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलती रहे। तो फार्मर्स, सबसे पहले इस डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारे पास ढेरों कमेंट आते हैं, लोग सिर्फ यही पूछते हैं कि सर, हमारी पोल्ट्री लाल कलर की बीट कर रही है। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि पोल्ट्री के बीट में लाल लाल खून के हल्के हल्के छींटे या फिर खून के थक्के निकलने लग जाते हैं, जिसे हम आम बोल चाल भाषा में रक्ती हागवन और खूनी दस्त भी कहते हैं। तो ये लक्षण देख के हम आसानी से पहचान सकते हैं कि पोल्ट्री में कोक्सीडियोसिस हो गई है। तो फार्मर्स, अब जानते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है। तो ये बीमारी हमारे ही लापरवाही से होती है। बारिश के मौसम में जब भूसी गीली रहती है या हम उन्हें जो फीड देते हैं वो गीली हो जाती है और वो गीले फीड को खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ये बीमारी लग सकती है। कोक्सीडियोसिस हमारे फार्म में आने का एक और कारक होता है। अगर हमारे पिछले लॉट में कोक्सीडियोसिस जैसे लक्षण अगर आए हों, तो भी अगले लॉट में ये बीमारी आने की संभावना पूरी रहती है। इस बीमारी में अचानक मृत्यु दर बढ़ने लग जाती है, पोल्ट्री फीड खाना कम कर देता है, ब्रॉयलर का वजन घटने लगता है और एकदम उसका ग्रोथ अचानक से रुक जाता है, और उसमें मॉर्टिलिटी दर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो फार्मर्स, इस बीमारी को पहचानने का ये एक सरल तरीका है, आप ऐसे इस बीमारी को पहचान सकते हैं। तो अगर ये बीमारी हमारे फार्म में आ जाए तो सबसे पहले अपने फार्म के भूसी का डेली रैकिंग करना चाहिए। अगर लीटर ज़्यादा गीला है तो उसे वहाँ से चेंज करके नया भूसी बिछा देना चाहिए, और रैकिंग करने के बाद फ्लेम गन की सहायता से कम 3 या 4 दिन तक लीटर को बर्निंग करनी चाहिए अच्छे तरीके से। लीटर पर हम चूना भी छिड़क सकते हैं। ध्यान रखना है कि लीटर गीला ना हो पाए, वेंटिलेशन आपको अच्छा प्रॉपर रखना है। फ्रेंड्स, कोक्सीडियोसिस के बैक्टीरिया को मारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने फार्म में लगातार 3-4 दिन तक बर्निंग करिए। बर्निंग से 90% तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में आप एम्प्रोसॉल दे सकते हैं। बर्निंग ज़रूरी करनी है ताकि मेडिसिन से जब पोल्ट्री ठीक हो जाए तो लीटर में मौजूद पोर्स की वजह से फिर से बीमारी ना हो पाए। तो मेडिसिन के साथ साथ हमें मैनेजमेंट में भी सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेडिसिन में प्रॉब्लम हो रही है तो वेटनरी डॉक्टर की हेल्प लीजिए, या फिर आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाइए और बोलिए कि कोक्सीडियोसिस हमारे पोल्ट्री में हो गई है, तो वो आपको एक अच्छा मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे। तो फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मिंग में बरसात के मौसम में हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी होती हैं। हमारे फार्म में प्रॉपर वेंटिलेशन रहना चाहिए। हम कोक्सीडियोसिस की दवाई को फीड में भी मिलाकर दे सकते हैं। एक सुपर कॉक्स नाम की दवाई आती है, ये भी आप दे सकते हैं। फार्म में डेली रैकिंग करवाइए। रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीटर की वजह से ही हमारे फार्म में कोक्सीडियोसिस होती है। फार्म के पर्दे हमेशा खोल कर ही रखना चाहिए। जब बारिश हो रही हो तभी पर्दे को बंद करिए, अदरवाइज़ पर्दे हमेशा खोल के रखिए, ताकि ताज़ी हवा बाहर से आती रहे और अंदर की अमोनिया गैस बाहर निकल जाए। फार्मर्स, ध्यान रखें कि अगर जो फीड हम दे रहे हैं पोल्ट्री को वो गीला हो गया है तो उस फीड को अवॉइड करिए, क्योंकि थोड़े से खर्चे अगर आप बचाना चाहेंगे तो इससे आपको भारी नुकसान होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो आप उस फीड को अलग कर दीजिए, फ्रेश फीड दीजिए उनको। पानी में वाटर सैनिटाइजर का उपयोग डेली करिए। अभी के मौसम में वायरस बैक्टीरिया पनपने का ज़्यादा संभावना होता है, तो एक अच्छा वाटर सैनिटाइजर आप दे सकते हैं। और अगर आपके वाटर में कोई प्रॉब्लम है तो वाटर की जांच कराइए, तभी पोल्ट्री फार्म में उस पानी को यूज़ करिए। फार्म का मैनेजमेंट अच्छा रखिए फार्मर्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपके पोल्ट्री फार्मिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।